ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آراف के अंदर हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छः अकवाम का तस्किरा फरमाया है, छः कौमों का तस्किरा फरमाया है। और ये जो पुराने वाकयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करते हैं कि हज़ारों साल पहले के वाकयात बिल्कुल सदाकत के साथ बयान करना, ये कुरान करीम का एजाज है कि ये उसकी सदाकत की दलील है कि ये पूरे हज़ारों साल पहले के वाकयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने खोल कर बयान कर दिए कि उन कौमों पर किस तरह रसूल भेजे गए, उन्होंने किस तरह उनको तबलीग की, और ईमान वालों का क्या रवैया रहा और उनका क्या नतीजा निकला, और कुफार जिन्होंने उनकी दावत को नहीं कबूल किया उनके साथ क्या मामला हुआ। नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया, लक़द अरसलना नूहन इला कौमी, 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दावत पहुँचाते रहे। चंद गिनती के लोग नूह अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान लेकर आए। 950 साल तक की दावत के बावजूद कोई बड़ी तादाद ईमान कबूल नहीं कर सकी, यहाँ तक कि उनका मजाक उड़ाते रहे, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर पानी का अज़ाब भेजा। फकज़्ज़बूहु फअंजैनाहु वल्लज़ीना मअहु फिल फुल्क वअग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू क़ौमन अमीन। झुटलाने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी में गर्क कर दिया, और उसी के अंदर ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पानी के सैलाब में भी अल्लाह ने ईमान वालों को बचा लिया। वह इला आदिन अखाहुम हूदा, सैयदना हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐसी कौम अल्लाह ने पैदा नहीं की, वो ऐसी ताकतवर कौम थी कि आखिर में उनको ये गुरूर और तकब्बुर हो गया कि हमारी जैसी ताकत तो हमसे ज़्यादा कौम ताकतवर हो सकता है। फिर जब उनको हूद अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि वो हूद अलैहिस्सलाम से ये चैलेंज करते कि तुम वो अजाब लेकर आओ हमारे ऊपर, और फिर अल्लाह ने उन पर जब अजाब भेजा तो वो 8 दिन 7 रातें उनके ऊपर वो हवा चलती रही जिसने उनका वो हाल किया कि फरमाया कि अन्नहुम अअजाज़ु नखलिन ख़ावियतिन फ़हल तरा लहुम मिन बाक़ियतिन, जैसे खजूर के तने होते हैं ऐसे उनकी लाशें बिखरी पड़ी थी। फरमाया, ईमान वालों को अल्लाह ने महफूज फरमाया और अपनी रहमत उनके ऊपर नाज़िल फरमाई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ालिमों की जड़ काट दी। फरमाया को कौम समूद की तरफ भेजा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी आते, उनको दावत पेश करते, दावत तौहीद देते, वो क्या करते कि तरह तरह के मोइज़ात का मुतालबा करते। कौम समूद ने मुतालबा किया कि हमें पहाड़ में से ऊँटी निकाल कर दिखाई जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहो हमें पहाड़ से ऊँटी निकाल के दिखाए, और फिर उसकी भी पूरी तफसीलात उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर चीज़ पर कादर है, ये तमाम मोइज़ात जो तुम तलब करते हो अल्लाह तुम्हें दिखा देगा, लेकिन फिर तुम ईमान ना लाए तो फिर अजाब भी तुम्हारे ऊपर उसी अंदाज से आएगा। और ऐसा ही हुआ कि अल्लाह के हुक्म से ऊँटनी उनको निकाल के दिखाई गई, और फरमाया गया कि इस ऊँटनी को अब इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, और उन ज़ालिमों ने उसी ऊँटनी को कत्ल कर डाला। فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, उनको जलजले ने पकड़ लिया कि वो अपने घरों के अंदर औंधे पड़े हुए थे। فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, ये हम जिस परस्ती के अंदर मुलव्वस थे, बेहयाई और बुराई के कामों में हद से बड़े हुए थे, और इनका ये मामला था कि जब लूत अलैहिस्सलाम इनको तबलीग करते रहे, अल्लाह की दावत पहुँचाते रहे, यहाँ तक कि ये बाज ना आए। एक मौके पे आगे कुरान मजीद में आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खा के फरमाया कि ये अपनी मस्तियों में और अपनी तोगयानी और सरकशी में हद से ज़्यादा बढ़ गए थे, फरिश्ते ने इनकी पूरी बस्ती को अल्लाह के हुक्म से उठाया और उसके बाद उनको पलट दिया, और फिर अल्लाह ने उनके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाई। वअमतरना अलैहिम मतरा फंजुर कैफ काना आकिबतुल मुजरिमीन, फिर देखो कि मुजरिमों का क्या हाल होता है। फरमाया वइला मदीना अखाहुम शुएबा, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, मदीन की तरफ उनको भेजा गया, वो मुतकब्बिर लोग भी अजाब तलब करते रहे, मजाक उड़ाते रहे, यहाँ तक फ़खज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तबाह बर्बाद
बर्बाद कर दिया। ये वाकयात बताने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कानून और कायदा बयान कर रहे हैं, यानी इन कौमों का तस्किरा किया, उन पर आने वाले अजाब का तस्किरा किया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना कानून और ज़ाब्ता बयान फरमाते हैं कि वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबीय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिल बअसा वद दर्रा लअल्लहुम यज़रुन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जब हम अपने नबी को भेजते हैं तो किसी कौम के ऊपर भी कभी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट अजाब आ जाए, बल्कि अल्लाह उन पर कोई मुसीबत भेजता है, कोई तकलीफें आती हैं, कोई परेशानियां आती हैं, ताकि ये आजजी करें, इनको ये बात समझ में आ जाए कि हम फिरौन बनना चाह रहे हैं लेकिन सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं है। जब मुसीबत आए, परेशानी आए, तमाम असबाब बरोए कार ले आए, लेकिन उसके बावजूद मुसीबत खत्म नहीं हो रही, तो ये बात उनको समझ में आ जाए कि कोई है जो हमारे ऊपर ये मुसीबत नाजिल करता है। जैसे मुशरिकी ने मक्का के ऊपर जब कहत आया था, और ये मुशरिकीन मक्का को बताया जा रहा है, कहत आया तो वो इतना बदतरीन कहत था कि वो मुशरिकीन मजबूर होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे कि आप अल्लाह से दुआ करें कि ये कहत हमसे दूर हो जाए। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो वो फिर दोबारा शर्क करने लगे। तो फरमाया हम किसी कौम के ऊपर अजाब नहीं भेजते, मगर उन पर कोई तकलीफें भेजते हैं कि वो गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के आगे आओ जारी करें और हिदायत पर आ जाए। और फरमाया कि फिर जब वो इन तकलीफों के बावजूद अल्लाह की तरफ नहीं आते, सुम्मा बदलना मकान सैयतुल हसना, तो फिर हम उन पर खुशहाली के दरवाजे खोल देते हैं। जैसे अभी सूरह आराम में हमने पढ़ा, पहले तकलीफें आती हैं, हिदायत पर नहीं आते तो खुशहाली के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि और मस्त हो जाएं, फिर उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ आने की तौफीक नहीं होती। फिर फरमाया फखदनाहुम बख्ततन वहुम ला यशुरून, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ आती है तो उनको शऊर नहीं होता। यानी हमारे लिए ये सोचने का मुकाम है कि जब हम पर कोई तकलीफ आती है, अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये तो हमारे पास आखिरी वक्त होता है कि हम फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आ जाएं। यानी अगर हम अस्पताल में हैं, हमारे ऊपर कोई तकलीफ है, हम उस वक्त भी अगर अल्लाह की तरफ रुजू ना करें तो ये कैसी बदनसीबी की बात है। और जब हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें हों, वसअतें हों, तो हम अपना जायजा लें कि ऐसा तो नहीं है कि हम अल्लाह की नाफरमानी में हैं और अल्लाह की तरफ से खुशहाली भी हमारे ऊपर आ रही है, गोया कि हमें ढील दी जा रही है। ये इन बातों से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से ये बातें हमें समझ में आती हैं। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने उनको मोइज़ात अता फरमाए। जब वो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए और अल्लाह के हुक्म से वो जो मुइज़ा उनको अता किया गया था, जैसे आपके सामने जिक्र किया गया कि जिस फन में जिस कौम को उरूज होता है उसी फन में मुइज़ा अता किया जाता है। वो जादूगर, जादू का बड़ा जोर था बनी इसराइल में, अल्लाह ने उनको मुइज़ा दिया कि वो असा फेंकते और वो अज़्ज़ा बन जाता। जब फिरौन ने इस मुइज़े को देखा और तमाम अपने हवारियों से मशवरा किया तो तमाम जादूगरों को जमा किया गया और उनको बुलाया और उनसे कहा कि इनका मुकाबला किया जाए। अंदाजा लगाइए क्या मंजर होगा कि अल्लाह के नबी मौजूद हैं और तमाम जादूगर आ गए, और उसके बाद उन्होंने वो रस्सियां फेंकी कि जिनको देखकर खौफ महसूस होता था, गोया कि वो दौड़ रही हैं। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने असा को फेंका तो वो तो कोई जादू नहीं था, वो तमाम रस्सियों को वो असल अज़्दहा था जो निकल गया। और जब उन जादूगरों ने इस मामले को देखा, तसव्वुर कीजिए वो कौन है, जादूगर हैं, फिरौन ने उनको बुलाया है, फिरौन से वो मुआवजा तलब कर रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा। और जब उन्होंने हक को देखा और पहचान लिया तो फरमाया कि वअल्क़िया सहरतु साजिदीन, तमाम के तमाम सजदे में गिर गए और कहा क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्ब मूसा व हारून। उन्होंने कहा यह तो हक है, ये तो सच है, हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पे ईमान लेके आते हैं। वो फिरौन ने कहा कि ये तुमने तो, मैंने इसकी इजाजत तो नहीं दी, और तुम एक लम्हे के अंदर तुम्हारे दिल की काया कैसे पलट गई है। कहा फिरौन ने कि लौकत्यान्नाइदियकुम वर्जुलकुम मिन खिलाफ सुम्म लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, मैं तुम्हारे हाथ पैरों को जो है ना मुखालिफ सिम से कटवा दूंगा, तुम्हें सूली के ऊपर चढ़ा दूंगा। शदीद किस्म की उनको धमकियां दी, उसके बावजूद वो जादूगर जिनको अल्लाह ने ऐसा ईमान से नवाजा कि एक लम्हे के अंदर उन्होंने कहा कौलू रब्बना कौलू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हम तो अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। वमा तनक़िबु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बि आयाति रब्बिना लम्मा जाअतना, तुम इसी बात का हम पे इंतकाम ले रहे हो हमसे कि हम अपने रब के ऊपर ईमान लेकर आ गए। उन्होंने कहा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरन व तवफ़ना मुस्लिमीन, अल्लाह हमें अब हम जो ईमान ले आए हमें इस्तिक़ामत नसीब फरमा। ये ईमान की चाशनी और ईमान की खसूसियत देखिए, एक लम्हा गुजरता है इंसान के दिल के अंदर इस तरह से पेवस्त हो जाता है कि वही फिरौन जिससे वो मुतालबे कर रहे थे कि हमें कुछ दुनिया अता कर दें, अब उसी के सामने डट के खड़े हो गए और तकलीफें आने के बावजूद ईमान छोड़ने को तैयार नहीं है।
قال رب ارنی انظر الیک, اللہ رب العزت کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہاڑ پہ جایا کرتے اور اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے, تو فرمایا کہ انہوں نے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہ اس دنیاوی آنکھ سے یہ ہمت نہیں رکھتے, یہ استطاعت نہیں رکھتے, اور پھر فرمایا کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو, ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی, تو جب اس پہاڑ کی طرف اللہ رب العزت نے اپنی تجلی کو بھیجا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ اللہ کی صفت, یہ جو اللہ نے اپنا نور نازل کیا, یہ جو نور کی تجلی ایک پھینکی جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی صفت ہے, یہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اس پہاڑ کے اوپر قرآن مجید کو نازل کرتے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ رب العزت اس قرآن کا مقام اور مرتبہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت اہم ترین آیت فرمایا, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا, کہ یہ امی نبی کی جو اتباع کرنے والے ہیں, یہ وہ نبی جن کو اللہ رب العزت نے سکھایا اور ان کا کوئی استاد نہیں ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, یہ تورات اور انجیل میں آپ کا ذکر پاتے ہیں. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, یہ آپ کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, یہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور فرمایا کہ ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, یہ تمہارے گردنوں میں جو جاہلیت کے برادری کے رسم و رواج کے طوق ہیں ان کو اتار لیتے ہیں اور تمہیں شریعت فراہم کرتے ہیں. تو کیا کرنا ہے کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ, تم ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. وعزروہ, ان کی توقیر کرو, ان کی تعظیم کرو, یعنی کہ ان کی اطاعت کرو جیسے صحابہ کرام نے اطاعت کر کے دکھائی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو منع فرمایا اور بتایا یہ حرام ہے, انہوں نے اس کو اتار کے پھینک دیا. اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ اس انگوٹھی کو تو تم اٹھا لو, یہ تو تمہارے لیے حرام ہے, تم اپنے گھر میں تو استعمال کر سکتے ہو, سونا تو تمہارے گھر والوں کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے, لیکن وہ تقویٰ کا عالم تھا, حالانکہ بالکل جائز ہے کہ وہ اس کو اٹھا کر لے جائیں, ہاتھ سے اتار لیں, لیکن کہا اللہ کے رسول کے کہنے پر میں نے اس کو ہاتھ سے اتارا ہے, میں اس کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه, اور ان کے دین کی نصرت کریں, اس دین اسلام کی نصرت کے لیے اپنی جان اور مال کو کھپائیں. واتبعوا النور الذي انزل معه, اور یہ جو نور اللہ نے نازل کیا, یہ قرآن مجید جو نازل کیا ہے, اس کو اپنے لیے راہ ہدایت بنا لے. اولئک هم المفلحون, تو یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ.